मौसम और वसी स्विमिंग पूल, फिर कौन है जो घर में रुके। कराची में छोटे बड़े सब स्विमिंग पूल का रुख करते नजर आए। वालदेन ने छोटे बच्चों को स्विमिंग के लिए तैयार किया और उसके बाद शुरू हुई एक जंप और दूसरी। ठंडे पानी में नहाकर जरा गर्मी कम हुई तो बच्चों की भी जान में जान आई। बड़ा मजा आता है क्योंकि ऊपर से डाइव मारने का और पानी में रहने का बहुत मजा आता है गर्मी में। स्विमिंग पूल गर्मी में कितना अच्छा लगता है, गर्मी बहुत है ना। मेरा दिल चाहता है कि पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही रहूं। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी में स्विमिंग पूल न होने के बराबर है और जो है वो निहायत महंगे हैं। ऐसे में शहर के वस्त में बल्दिया उज़्मा के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ज़ेर इंतजाम चलने वाला स्विमिंग पूल किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी में तो माशाल्लाह से ठीक ठाक लोग आ रहे हैं इसके अंदर। नॉर्मल लोग जो आते हैं उनसे डबल कर लें या ट्रिपल तादाद में कर लें, और इसके जो हमने रेट्स रखे हैं वो भी इंतहाई मुनासिब हैं कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। कुछ माहिर तैराक तो ऐसे भी हैं जिनको गर्मी भगाने के साथ साथ एडवेंचर भी चाहिए, लिहाजा उन्होंने ऊंचाई से पूल में छलांग लगाने में ही मजा ढूंढा। गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल का रुख करने वाले बच्चे इस बहाने एक अच्छे और सेहतमंद खेल से भी मुतारिफ हो सकते हैं। एक दफा आप स्विमिंग पूल में उतर जाएं, फिर कहां की गर्मी और कहां की लू। यही वजह है कि हालिया गर्मी की शिद्दत में कराची वालों की अक्सरियत ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ महमूद रियाज, 92 न्यूज़, कराची।